इधर उठा, आ जाओ सब लोग, ध्यान अच्छे से। जर्नली टॉपिक चल रहा था, क्वेश्चन नंबर टू हमारा रामभाव वाला हो गया था। सो उसके बाद है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है बेटा इसके अंदर में देखना, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द नरेंद्र जनरल स्टोर। ठीक है आ जाओ, अभी के अभी देख लेते। सो बच्चों सॉल्व कर रहा हूँ, आप सभी ने उम्मीद करता हूँ ट्राई किया होगा आगे क्वेश्चन, नहीं ट्राई किया होगा मेरे साथ साथ सॉल्व करो, जब भी डाउट आया तब के तब पूछना है, ताकि जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है, रिकॉर्डेड देख रहा है, उसको कोई डाउट ना आए। सो जहाँ भी डाउट आए फटाफट से पूछना है, आ जाओ। इन द बुक्स ऑफ द नरेंद्र जनरल स्टोर, ठीक है ये लो, मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ नरेंद्र जनरल स्टोर, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर, आप पूरा लिखना बेटा, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, चल अप्रैल मंथ की एंट्रीज है बेटा, ठीक है मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे मुझे जगह चाहिए ना थोड़ी सी, इसलिए मिटा रहा हूँ, ठीक है, और ये इसको भी थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि हमें जगह लगेगी अच्छी खासी। ओके 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 आ जाओ, लिखो फॉर्मेट लिखना है बेटा सभी ने, नरेंद्र जर्नल स्टोर फॉर द मंथ अप्रैल 2020, फॉर अप्रैल 2020, क्लियर है आ जा मुन्ना। सो क्या कहना है नरेंद्र भाई का देखो तो जरा। सो लिखो इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जर्नल स्टोर, सबसे पहला वाला ट्रांजेक्शन है नरेंद्र कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹80,000, नरेंद्र भाई ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लेकर के बेटा ₹80,000। सो यहां पे लिख लेता हूं मैं डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, डन। सो लिखो सबसे पहली तारीख, बोल क्या रहेगा बेटा एंट्री, यहां पे कैश बिजनेस में आ गया, कैश असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, सो कैश बिजनेस में आ गए, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, कितना है बेटा 80,000, 80,000 बराबर है। नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, सिंपल है पक्का, डन। सब लोग साथ में मुन्ना, फॉर्मेट ड्रॉ किया सभी ने, हो गया पहला वाला क्लियर। सेकेंड, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ₹40,000 ऑन क्रेडिट, किरण से क्रेडिट बेसिस पे माल लिया 40,000 का, माल खरीदा, जब भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, माल बेचा, सेल किया, माल सेल किया, फोकट में नहीं बांटा, गिफ्ट बोल के नहीं दिया, चोरी नहीं हुआ, माल बेचा तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, माल खरीदा तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, परचेस का डेबिट बैलेंस है, सो परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, उधारी में लिया है, ठीक है, परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड 40,000, और किससे लिया हमने माल, किरण से लिया है, उधारी में लिया है, किरण से लिया है, उधारी में लिया है, बराबर है, क्रेडिट बेसिस पे लिया है, क्लियर। सो यहां पे किरण मेरी क्या बन गई, क्रेडिटर, सो किरण से उधारी में माल लिया, किरण क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स बढ़ते तो उसे क्रेडिट करो, सो टू किरण अकाउंट, टू किरण अकाउंट 40,000 rupees, टू किरण अकाउंट 40,000 rupees, बीइंग गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड, गुड परचेज्ड ऑन क्रेडिट, आप पूरा लिखोगे ऑन क्रेडिट, CREDIT, बरोबर है, हेलो, ठीक है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट,
goods purchased on credit, goods purchased on credit, done. यहां तक किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार फटाफट से पूछना है बेटा, एनीबडी एनी काइंड ऑफ डाउट, क्लियर, डन। चलो बेटा आगे, क्लियर है, डन। चलो एनीबडी, नेक्स्ट एंट्री कौन बताएगा बेटा? हाँ हाँ, नेक्स्ट एंट्री कौन बताएगा? नेक्स्ट एंट्री कौन बताएगा बेटा? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, देन पेड रेंट रुपीज 2000, तीसरा रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, रेंट दे रहे हैं यानी खर्चा है, रेंट दे रहे हैं यानी खर्चा है, बरोबर, खर्चा बढ़ रहा है मेरा रेंट की वजह से, रेंट खर्चा खर्चे का डेबिट बैलेंस है, सो एक्सपेंस अकाउंट यानी रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितना है बेटा रेंट 2000, सो 2000, और पे कर दिया है पेड यानी कैश कम हो गई, कैश का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है डेबिट करो कम होती है, क्रेडिट करो बढ़ती है डेबिट करो कम होती है क्रेडिट करो, सो कैश कम हो रही है सो कैश को क्रेडिट करो, सब लोग साथ में है क्या? हेलो ए बाबा, सब लोग साथ में है ना? सो बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही लिखा, एक बच्चे ने जवाब दिया है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, एक बच्चे ने डेबिट, एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है रेंट, बाकी बच्चे क्यों जवाब नहीं दे रहे मुन्ना? हाँ एनीबडी, बाकी सारे बच्चे हैं, चलो आगे, पक्का फटाफट से, हाँ सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास रुपीज 5500 ऑन क्रेडिट, विकास को क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा है, विकास को क्रेडिट बेसिस पे हमने माल बेचा है बेटा, कितना 5500 का, विकास मेरा क्या बन गया? डेटर, विकास मेरा क्या बन गया? डेटर, सो विकास अकाउंट विल बी डेबिटेड, विकास मेरा डेटर बन गया, सो विकास अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, विकास अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्लियर, ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात, विकास को माल बेचा है, विकास मेरा डेटर बन गया, विकास अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल्स, कितना है बेटा 5500, बरोबर है, सो यहाँ पे लिख देता हूँ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रकार का डाउट है तो पहले एक बार पूछो बेटा, एनीबडी एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, डन। चलो आगे, पक्का, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बस एक ही बच्चे जवाब दे रही है, बाकी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, बाकी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, जवाब नहीं देना हो रहा है, वेरी गुड बेटा, चलो आगे, पक्का, जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है मुन्ना तूने भी मेरे साथ साथ जवाब देना है, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 30,000 एट जीएसटी 18%, ओ हो 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 हो, अब आपके जीवन में बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आने वाला है आज के लेक्चर में, जो बच्चा आज के लेक्चर में नहीं है, जिसने आज का लेक्चर नहीं देखा उसका जीवन का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, डन। चलो बेटा आगे, अब अच्छे से ध्यान देना, क्या चीजें अच्छे से समझ लो, सो फर्नीचर परचेस किया तो यहां फर्नीचर अकाउंट नहीं बनेगा, यहां बनेगा, सॉरी यहां परचेस अकाउंट नहीं बनेगा, यहां परचेस अकाउंट नहीं बनेगा, माल खरीदा तो परचेस अकाउंट बनता है, माल गुड्स खरीदा तो परचेस अकाउंट बनता है, फर्नीचर लिया है, फर्नीचर मेरे लिए गुड्स नहीं है, मैं फर्नीचर में डील नहीं कर रहा हूं, फर्नीचर मेरी फिक्स असेट है, लॉन्ग टर्म असेट है, फिक्स असेट है, मैं फर्नीचर को बेचने के लिए नहीं खरीद रहा हूं, हाँ अगर ये फर्नीचर की शॉप की अकाउंटिंग होती तो यहाँ पे फर्नीचर गुड्स होता तो फर्नीचर खरीदा तो परचेस अकाउंट लिखता, ये बात समझ आई क्या सभी को? डन, एक बार वापस बता देता हूं, अगर गुड्स खरीदा, गुड्स खरीदा, गुड्स परचेस किया तो बनेगा परचेस अकाउंट, और अगर कोई मशीन फर्नीचर खरीदा, फिक्स असेट खरीदी
तो उस फिक्स असेट के नाम का अकाउंट बनता है। तो यहाँ फर्नीचर खरीदा तो एक बनेगा फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर आ गया असेट बढ़ गई, फर्नीचर नाम की असेट बढ़ गई, फर्नीचर आ गया असेट आ रही है तो उसे डेबिट करो, असेट आ रही है तो उसे डेबिट करो। सो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। बरोबर है, क्लियर? ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार सबसे पहले मुझे पूछो बेटा। यस, एनी बड़ी एनी काइंड ऑफ डाउट। यहां तक किसी को डाउट है? चलो आगे, पक्का डन? एनी काइंड ऑफ डाउट एनी बड़ी? पूछो बेटा, आ जाओ। सो अच्छे से ध्यान देना। अच्छा, SGST CGST गुड्स एंड, अच्छा मैंने अभी सवाल पूछा, जीएसटी के बारे में किसी को पता है क्या? एक बार बता दो बेटा। सो जीएसटी बेसिकली क्या है? देखो, काफी लोग इसको गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं ना, जो अनपढ़ गवार लोग हैं जिनको मालूम नहीं है, या हंसी मजाक में जोक सपाट है ना काफी लोग, बट बेसिकली ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये क्या चीज होती है, अच्छे से ध्यान देना। अब यहाँ पे हमने फर्नीचर खरीदा 30,000 का, जीएसटी के ऊपर एक स्पेशल सेशन लेने वाला हूँ, इसके बाद का सेशन रहेगा, बट अभी मैं आपको यहाँ पे एंट्री पास करने के लिए बता देता हूँ। ओके, एंट्री पास करने के लिए बता देता हूँ, बरोबर है? तो अच्छे से ध्यान देना। बेसिकली हमने 30,000 का फर्नीचर खरीदा, उस पर 18% जीएसटी दिया। अब 18% जो जीएसटी दिया उसके अंदर में, एक सेकेंड में थोड़ा सा ब्लैंक पेज लेकर के आपको बताता हूँ बेटा, ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा। हाँ, ये यहाँ पे ब्लैंक पेज लेता हूँ, अच्छे से ध्यान देना। ए मुन्ना इधर ध्यान दे, ये है सेलर, ये है बायर, कस्टमर, इसने हमने इससे लिया फर्नीचर, ये है हम, ये हमने इससे लिया फर्नीचर। अभी वाला एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा, फर्नीचर हुआ 30,000 का और इसने हमको क्या दिया, बिल दिया। ये बिल के अंदर में सारा इसका नाम, डेट, फेट, फलाना ढिमका टिमका लिखा था और यहाँ पे लिखा था फर्नीचर, बिल के अंदर में 30,000 रुपये, और यहाँ पे नीचे रहता है जीएसटी। अब जीएसटी में दो है सर, दो कौन, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। एक है CGST सेंट्रल गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक है SGST स्टेट गवर्नमेंट का। अरे बाबा, टैक्सेस कर सरकार को देंगे कि नहीं देंगे? तो ये सेलर ने जो 30,000 का फर्नीचर बेचा, इसके ऊपर जीएसटी 18% है। तो सर अभी 18 में सेंट्रल का कितना और स्टेट का कितना, सेंट्रल का कितना और स्टेट का कितना? बरोबर है, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे काफी बच्चे। आधा रहेगा सेंट्रल का, आधा रहेगा स्टेट का। 18 का आधा 9%, 18 का आधा 9%, बरोबर है। सो अब यहां पे ये जीएसटी लग जाएगा, तो यहां पे लिख लेता हूं CGST, SGST, और ये टोटल आ जाएगी यहां पे नीचे, ये है 9%, ये है 9%, तो ये हो जाएगा 2700, ये हो जाएगा 2700। 30,000 का 9% 2700, 9 3 27, बरोबर है क्या? यस और नो? ये बात समझ आई क्या सभी को? डन, क्लियर? चलो आगे। तो ये कितना हो गया बेटा, 35,400, ये हो गया टोटल बिल का अमाउंट। सर अब ये क्या चीज है, अच्छे से ध्यान देना। यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछ लो। जब कभी भी हम लोग आज के तारीख में यहाँ पे भारत में कोई किसी से माल खरीद रहे हैं या किसी से सर्विस ले रहे हैं, तो सामने वाला हमें जीएसटी लगा के देगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या था, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, पहले था बेटा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अब वो चला गया, करीब करीब उसको जाके भी कई साल हो गए हैं। पहले था वैट और सर्विस टैक्स, माल के ऊपर लगता था वैट और हम जो सर्विस दे रहे उस पर लगता था सर्विस टैक्स, या सर्विस ले रहे सर्विस दे रहे, तो सर्विसेज के ऊपर था सर्विस टैक्स। जैसे मैं टीचिंग की सर्विस दे रहा हूँ, CA सर्विस देता है, डॉक्टर सर्विस देता है, लॉयर सर्विस देता है,
और किराना दुकान वाला माल बेचता है, तो है ना, तो माल के ऊपर लगता था वैट, सर्विसेज के लिए था सर्विस टैक्स, लेकिन अब दोनों जुड़ गए, अब क्या है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स GODS गुड्स, GODS गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, बरोबर है, ये बात समझ आई सभी को। सो जीएसटी में भी आधा लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा लेगा स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल और स्टेट का रहेगा आधा आधा, सेंट्रल और स्टेट का रहेगा आधा आधा, 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, ये बात समझ आई सभी को। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार बोलो बेटा। चलो अब हमने फर्नीचर तो ले लिया सेलर से, फर्नीचर था 30,000 रुपीज का, उसके ऊपर 9% टोटल हो गया 18%, है ना, ये 9 और ये नीचे का 9, ये 9% हो गया, कितना हो गया बेटा टोटल 18% हो गया, तो ये हो गया टोटल 35,400, यस और नो, सो ये बात क्लियर है। अब हमने सामने वाले को पैसा कितना दिया, हमने सेलर को दिया 35,400, ये सेलर को दे दिया, ये हमने इतना पैसा दे दिया, पेमेंट मेड, है ना, पेड, हमने 35,400 पे कर दिया, हमने 35,400 पे कर दिया। अब बताओ मेरा छोटा सा सवाल है, ए मुन्ना सब लोग ध्यान देना अच्छे से, बोलो इस 35,400 के अंदर में, उस 35,400 के अंदर में हमने सरकार को कितना दिया रे, ये क्या सेलर के पापा का पैसा है क्या, ये सेलर के बाप का पैसा है 5,400, ये 5,400 जो हमने दिया है ये सेलर का नहीं है, ये 5,400 सेलर ने टोटल कलेक्ट किया 35,400 में फर्नीचर का उसने लिया 30,000 और जीएसटी का उसने लिया 5,400, बरोबर है, ये जीएसटी जो 5,400 लिया ये सेलर एज इट इज सरकार को दे देगा, मतलब इनडायरेक्टली हमने सरकार को कितना दिया, ये 5,400 हमने दिए ना, ये 5,400 हमने पे किए, देखो 35,400 हमने सेलर को दिया 35,400, इसमें फर्नीचर का 30,000 है और सरकार को हमने सेलर के थ्रू हमने पैसा दिया सेलर को और सेलर ने हमारे बिहाफ में दिया सरकार को, सो इनडायरेक्टली मैंने सरकार को कितना दिया, बोलो फटाफट से, इनडायरेक्टली मैंने सरकार को कितना दिया, बहुत काम का पॉइंट है, बाद में ना कहना कि सर अभी क्या करूं, एग्जाम में सवाल आने वाला है इसके ऊपर, परीक्षित प्रश्न विचारता है, राजेश खन्ना लक्ष्य दे, नंतर भिनसी निकले दिखले जोमैटो वाली, हमने सरकार को कितना दिया 5,400 और हमने फर्नीचर के लिए कितना दिया 30,000, टोटल मिला के सेलर को कितना दिया 35,400 और सेलर ने आगे हमारे बिहाफ में सरकार को बोला कि आमी या मानसाला फर्नीचर विकल, हमने इस इंसान को फर्नीचर बेचा 30 का बट हमने उससे लिए 5,400 पर 35,400 टोटल लिए, तो सेलर ने हमारे बिहाफ में हमने सेलर को 35,400 दिए और सेलर ने 35,400 में से सरकार को हमारे बिहाफ में आमच्या तरफे हमारे बिहाफ में सरकार को 5,400 दे दिए, ये बात समझ आई सभी को, पक्की बात। सो सेलर ने मेरे बिहाफ में सरकार को दिए 5,400 रुपए, ये बात तो क्लियर है। अब बताओ प्लीज ध्यान देना, हमने माल ले लिया, बिल आ गया मेरे पास बिल आ गया, 5,400 सरकार को मेरे भी आप में चले गए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अब प्यार से एनीबडी, इसे हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे एनीबडी, ये कौन सा जीएसटी है मेरे लिए, कोई मुझे बोल पाएगा क्या, ये कौन सा जीएसटी है एनीबडी, कोई ट्राई करेगा, हाँ, इनपुट जीएसटी, मेरे पास फर्नीचर आ रहा है, मेरे पास बिल आ रहा है, इसलिए मैंने सरकार को दिया, ये है मेरा इनपुट जीएसटी। अब अच्छे से गेम सुनना क्या चीज है, तो अब अच्छे से गेम सुनना, ये मेरे लिए है इनपुट जीएसटी, ये है मेरे लिए इनपुट जीएसटी, प्लीज सुनो, अब ध्यान दे दो, मैंने सरकार को कितना दिया 5,400, स्टेट गवर्नमेंट को 2,700 और सेंट्रल गवर्नमेंट को 2,700, ये है मेरे लिए इनपुट जीएसटी। अब इसकी एंट्री देखो कैसी होंगी,
मुन्ना बता फर्नीचर नाम की असेट आ गई मेरे पास, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000। फर्नीचर 30 का था, फर्नीचर 30 का था। बोलो इनपुट, इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। कैश कितना दे दिया रे, कैश कम हो गया मेरे पास से 35,400। कैश कम हो गया 35,400। इनपुट जीएसटी, अब इनपुट में भी है पहले सीजीएसटी और दूसरा इनपुट, इनपुट एसजीएसटी कितना दिया मैंने 2700। ये हो गई एंट्री खत्म। ये एंट्री में किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। जीएसटी के ऊपर डिटेल सेशन अगला होने वाला है, बट अभी यहाँ पे एंट्री में आया इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज डिटेल सेशन जीएसटी के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में होने वाला है। एनीबॉडी, यहाँ तक किसी के बच्चे के ऊपर। एक बच्चे ने पूछा सर इनपुट क्यों, बेटा हमने यहाँ पे फर्नीचर खरीदा मेरे पास जीएसटी का बिल आया, मैंने फर्नीचर खरीदा मेरे पास जीएसटी का बिल आया, अब मुझे इसका क्रेडिट मिलेगा, मुझे अब इसका क्रेडिट मिलने वाला है, मुझे इसका क्रेडिट मिलने वाला है, बरोबर है क्या? अब नेक्स्ट टाइम, अब मान लो ये फर्नीचर जो मैंने खरीदा आगे जाके मान लो अगर मैंने इसको बेच दिया या फिर मैंने अगर किसी को सेल किया, अब मैंने सेल किया मान लो, आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, ये फर्नीचर मैंने बेच दिया 30 का बेचा मैंने, आपको समझाने के लिए 40,000 में मैंने फर्नीचर बेचा 40,000 में, और सामने वाले से मैं जीएसटी लूँगा 7,218% 40,000 का, मैंने लिया 47,200, मेरे पास आया 47,200, इसमें से मैंने जीएसटी कितना लिया 7,200। अब ये किसको देना पड़ेगा, सरकार को। मैंने दो मिनट के लिए समझो, मैंने फर्नीचर खरीदा और मैंने जीएसटी दिया 5,400, सेम फर्नीचर मैंने बेच दिया और बेचा तो मैं जीएसटी कलेक्ट करूँगा ना कस्टमर से, मैंने कलेक्ट किया 7,200। अब ये 7,200 में सरकार को देने ही वाला था, मैंने बोला रुक, ऑलरेडी है सरकार, मैंने तुझे 5,400 दे दिया है, तो 7,200 में से 5,400 तो ऑलरेडी मेरे तरफे पुराना वाला, देखो ये ऑलरेडी मेरे भी आप में चला गया था सरकार से, अब मैं तुझे बस और 7 में से 5 गए अपना, ये कितना है 7,200 में से 5 चले गए, बचे कितने बेटा 2,200 और चले 1,800 रुपये मैं तुझे और दूंगा, बस दैट्स इट, गेम ओवर। तो मुझे क्रेडिट मिला, मुझे क्रेडिट मिला, मिला इनपुट, मुझे 5,400 का क्रेडिट मिला जो मैं फ्यूचर में यूज करूंगा, मुझे अभी क्रेडिट मिला, मिला इन इनपुट मिला। एक बच्चे ने सवाल पूछा था ना इनपुट क्यों, बरोबर है, वापस बताओ, वापस बताता हूं, वापस बताता हूं, देखो अच्छे से ध्यान देना बेटा, वापस वापस ध्यान देना, ए बेटा ध्यान दे सुन तो, ये मैंने फर्नीचर खरीदा, ये मैंने, ये पहला वाला केस मान लो फर्नीचर नहीं, मैं कैलकुलेटर का एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ये मैंने कैलकुलेटर खरीदा, ये मैं हूँ, ये सेलर है, ये कैलकुलेटर है, कितने का 100 रुपये का, और सेलर को मैंने कितने दिए आपको समझाने के लिए 118 रुपये दे दिए, बोलो इसकी एंट्री क्या रहेगी, कैलकुलेटर में समझ लो मैं डील कर रहा हूँ, मेरे लिए गुड्स है, परचेस अकाउंट डेबिट 100 और यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 18 रुपये है ना इसमें, तो 9,900 रुपये समझ लो, 9,900 और टोटल मैंने कैश पे कर दिया 118। वाह मेरे पास अब क्रेडिट आ गया 9,918 का। अब दूसरा एग्जांपल, ये कैलकुलेटर मैंने बेच दिया, ये कैलकुलेटर मैंने किसी को बेच दिया, कैलसी सोल्ड, कितने में बेचा आपको समझाने के लिए मैंने इस कैलकुलेटर को बेचा, प्लीज ध्यान देना बेटा, मैंने इस कैलकुलेटर को बेच दिया 120 रुपये में, बरोबर है, सामने वाले से पैसा कितना लूंगा लेकिन मैं 120 प्लस जीएसटी भी लूंगा ना, कस्टमर से जीएसटी लूंगा ना, 120 इंटू 18% कितना आया 21.6, तो मैंने पैसा लिया होगा 141.6, ये मैंने किसी को बेच दिया। अब बताओ इसकी एंट्री क्या रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट 141.6, बरोबर है, टू सेल अकाउंट, माल कितने का बेचा 120 का ही बेचा, लेकिन मैंने जीएसटी कितना कलेक्ट किया, आउटपुट सीजीएसटी
और आउटपुट माल बेचा है ना, अब मेरे को देना पड़ेगा सरकार को। मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया जीएसटी का इतना 18%। अब ये जीएसटी मेरे पापा का नहीं है, ये जीएसटी मुझे सरकार को देना पड़ेगा, ये जीएसटी मुझे सरकार को देना पड़ेगा। मैंने कलेक्ट किया, जब मैंने माल खरीदा था तब मैंने जीएसटी पे किया, अब ये सरकार के पास ऑलरेडी मेरा कितना चला गया 18, और अब मैंने माल बेचा तो ये जीएसटी मैंने कलेक्ट किया, अब सरकार के बिहाफ में मैंने कितना कलेक्ट किया, सरकार के बिहाफ में मैंने कितना कलेक्ट किया 21.6, तो मुझे नेट देना पड़ेगा ना, इतना मैंने कलेक्ट किया कस्टमर से, और जब मैंने मैंने कैलसी खरीदा था तो इतना मैंने ऑलरेडी पे कर दिया था, तो मुझे नेट कितना देना है, नेट पेबल, नेट पेबल बोलो कितना देना है, कॉमन सेंस 3.6। सरकार को बोलूंगा ना, ऑलरेडी जब सेम कैलसी मैंने खरीदा था तब मैंने तुझे 18 दे दिए थे, अब सेम कैलसी मैंने बेचा तो मैंने 21.6 तेरे लिए जीएसटी कलेक्ट किया, तो नेट में कितना दूंगा अभी 3.6, नेट में कितना दूंगा 3.6, बराबर है। तो ये आउटपुट है, सेल्स के लिए जो रहता वो आउटपुट, खरीदने के लिए जो था वो इनपुट। क्लियर, ये बात समझ में आए सभी को? ये 21.6 का आधा कर दो सीजीएसटी एचजीएसटी, 21 का आधा कितना हुआ 10.5, 10.8, 10.8 आउटपुट मुझे देना पड़ेगा, मेरे लिए लाइबिलिटी है इसलिए मैंने क्रेडिट किया, इनपुट एक तरीके से मेरे लिए असेट हो गई है, बरोबर है। अब बोलो ये बात समझ आई आपको? एक 20-30% समझ में आया है क्या जीएसटी का? 20-30% अभी वाला एग्जाम्पल तो बहुत था, अभी वाला एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा था। क्या था? फर्नीचर लिया 30,000 का और उसके ऊपर जीएसटी दिया 18%, तो 35,400 दे दिए, और ये हो गई अपनी एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर मैंने लिया है, फर्नीचर मैंने लिया है, मुझे बिल मिला है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एचजीएसटी और टू कैश, ये वाला एंट्री समझ में आ गया फॉर द टाइम बिंग। जीएसटी के ऊपर डिटेल लेक्चर रहेगा नेक्स्ट, ये समझ में आया? एक बच्चे ने जो सवाल पूछा था इनपुट आउटपुट क्यों, वो समझ में आया? इनपुट क्यों, मुझे क्रेडिट मिला, फर्नीचर मेरे पास आया, मुझे बिल मिला, मुझे बिल मिला, यस और नो? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार सबसे पहले पूछो बेटा, एनी बडी एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी स्टूडेंट, यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछो, एनी स्टूडेंट। चलो आगे, पक्का जीएसटी के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है बेटा, क्लियर? जीएसटी के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर आएगा, यहां तक समझ में आई बात सभी को? चलो आगे, पक्का आ जाओ। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना मुन्ना सब लोग। तो ये वाली एंट्री लिख लेता हूँ मैं वहाँ पे जो अपना डिसाइड हुआ है। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एचजीएसटी, टू कैश। ये लो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट SGST, सत्ताईस सौ, और ये मैंने पैसा दे दिया टू कैश अकाउंट। फर्नीचर परचेज्ड विथ जीएसटी 18%, फर्नीचर खरीदा जीएसटी दिया 18%। क्लियर? जीएसटी में दो लोगों का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सिंपल है, रिसीव्ड अ बेरर चेक फ्रॉम विकास, विकास से बेरर चेक मिला कितने का, 25,000 का। ओ हो, विकास से 25,000 का बेरर चेक मिला है, बोलो बेटा इसका एंट्री क्या रहेगा, कौन ट्राई करेगा, कौन ट्राई करेगा? विकास से बेरर चेक मिला है 25,000 रुपीज का, विकास से बेरर चेक मिला है 25,000 रुपीज का। बेरर चेक को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? वेरी गुड मुन्ना, कैश। सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू विकास अकाउंट, मिस्टर विकास अकाउंट 25,000,
यहाँ पे लिख लो रिसीव्ड बेरर चेक फ्रॉम विकास, चेक का नंबर दिया होगा तो वो भी लिख लेना। पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक, किरण को पैसा पे किया हमने, किरण अकाउंट विल बी डेबिटेड और चेक से दिया है टू, और कौन सा चेक है, बेरर चेक होता तो लिखते टू कैश, बराबर है, और नहीं नहीं बेरर चेक अगर हमने चेक इशू किया रहता, चेक हमने दिया रहता तो भी टू बैंक ही आता, अगर हमने बेरर चेक दिया भी रहता हमारा खुद का तो भी टू बैंक ही आता, हमने चेक दिया है तो टू बैंक ही लिख देना है हर बार, कैश वगैरह लिखने का काम नहीं। हाँ अगर हमें चेक मिला, बेरर चेक मिला तो लिखना टू कैश, बराबर है। किरण टू देना बैंक नहीं, किरण हाँ चलेगा, देना बैंक लिख दो चलेगा, किरण टू देना बैंक, किरण अकाउंट डेबिट टू देना बैंक, नरेशन लिख देंगे सेम सेंटेंस, एंड पेड सैलरी लास्ट वाला, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 सैलरी पेड। बोलो कुछ था रे इसमें, आठ आठ दस दस नंबर के लिए सेम चीज पूछने वाले फॉर 8 to 10 मार्क्स। यहां तक किसी भी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज 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 एक बार सबसे पहले पूछ लो बेटा, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट एनीबॉडी, क्लियर?